ओके, और ये यहाँ पे आप आए, आपका नाम क्या है? उमा। मतलब आप कहाँ से हैं? वर्मा से, मेहमान से। ओके, तो आप मतलब यहाँ पे आए तो आपको उमा भी मिलेंगी यहाँ पे, यहाँ पे काम करती हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सब लोग? यार आशा करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं भाई यहाँ पे पटाया में ही हूँ और आप वीडियोस देख ही रहे होंगे जैकुज़ी क्लब वगैरह की, पूल पार्टी वगैरह की, और वहाँ से मैं आ गया था, काफ़ी टायर्ड था। तो आज मैंने सुबह से शाम तक अभी तक रेस्ट किया और अभी शाम के बजे पड़े 6:30 के आसपास मैं इस होटल में हूँ जिसका मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ जल्दी जल्दी में, आज थोड़ा अच्छी तरह से दिखाया था। होटल का नाम है एनकोर होटल और ये पटाया वॉकिंग स्ट्रीट के बहुत पास है, मतलब लगा लो यार 200 मीटर भी नहीं है, मतलब आप यहाँ से निकलेंगे तो 1 मिनट में। मैं अभी वो दिखा दूँगा आपको नीचे आके। तो देखो भाई, ये होटल ऐसा है, बेड इसका ऐसा है, हर रोज़ आपकी सफाई हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो आप बुला लोगे तो एसी है लगा हुआ है भाई यहाँ पे, कमरा काफ़ी बड़ा है, सफिशिएंट है। यहाँ पे प्लग्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं आपके बेड के सामने ही। कई बार क्या होता है, मतलब दिक्कत हो जाती है, प्लग्स वगैरह काफ़ी दूर होते हैं खासतौर पर हॉस्टल्स वगैरह में, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। और चाबी आपको मिलती है, ये आपको रखने का सामान मिल जाता है, ठीक है भाई। यहाँ पर आप बैग वैग रखा हुआ है आप, एक छोटा रेफ्रिजरेटर मिल जाता है, डस्टबिन वगैरह भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ये शीशा लगा हुआ है भाई, और ये वहाँ पर सोफ़ा वगैरह भी रखा हुआ है अच्छी तरह से, पूरा सफिशिएंट स्पेस है। और ये अटैच्ड बाथरूम वगैरह है, कई बार कई होटलों में, मतलब मैंने बैंकॉक वगैरह में, थोड़े अटैच नहीं होते, वो सेपरेट होते हैं, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे आपको अंदर जो साबुन वगैरह है, दिन में 2 साबुन, दिन में 2 पानी की बोतल भी मिलती है, मांगनी पड़ती है आपको, मतलब मांगोगी ऑब्वियसली, ठीक है, पानी की बोतल मिल जाएंगी आपको, सब कुछ सफाई वगैरह भी हो जाएगी। और यहाँ पे साबुन वाबुन शैम्पू वगैरह भी मिल जाएंगे दिन में आपको, तो वो भी आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। 7-Eleven बिल्कुल सामने ही है, वो उसकी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे उतर के भी, नीचे का मॉल मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे नीचे का मॉल काफ़ी अच्छा है, बिकॉज वॉकिंग स्ट्रीट का बिल्कुल पीछे वाली गली है ये। ऑलराइट, और अभी मैं पटाया बीच पर भी जाऊँगा, अभी यहाँ से पटाया बीच पर जाऊँगा, उसके बाद भाई एक शायद मतलब जो जैकुज़ी वाला वीडियो होगा वो भी इसमें मैं मतलब वो ऐड कर दूँगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो होटल है वो इंडियन ब्रदर का है, मतलब जो इनके ओनर है वो इंडियन है, बंगाल से हैं वो, तो आपको अभी उनसे मिलाता हूँ, उनसे भी काफ़ी अच्छी मेरी मतलब बातें हुई हैं, ठीक है। तो अभी आपको उनसे ही मिलवाता हूँ, उनसे भी काफ़ी अच्छी मेरी बातें हुई हैं। और यहाँ पे इस होटल, ये एक गेस्ट फ्रेंडली होटल है, मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है गेस्ट वेस्ट को लेके आने के लिए भी, काफ़ी जगहों पे वो प्रॉब्लम रहती है वो थलन वगैरह में। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे खाना आपको इंडियन मिल जाता है, क्योंकि इंडियन यहाँ का मतलब मालिक है, जो ऑनर है वो इंडियन है, तो खाना आपको इंडियन मिल जाता है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, काफ़ी लोग आपको यहाँ पर रुकवे मिल जाएंगे इंडियन। ओके, और ये देखो भाई, नॉन वेज थाली वगैरह, ये थाली का रेट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये ब्रेकफास्ट का प्राइस है, ये नॉन वेज थाली। और जब आप ऑर्डर करोगे ये मेन्यू वगैरह यहाँ पे, पानी की बोतल आप यहाँ से ले सकते हो रात को कभी भी, रेफ्रिजरेटर वहाँ पे है, पीछे किचन है यहाँ पीछे, जब भी आप ऑर्डर करोगे खाना आपको उसी टाइम बना के दे देंगे ये, मतलब फूड जो कहाँ पे है भाई का, अच्छा बाहर गए हैं। ओके, और ये यहाँ पे आप आए, आपका नाम क्या है? उमा। मतलब आप कहाँ से हैं? वर्मा से, मेहमान से। ओके, तो आप मतलब यहाँ पे आए तो आपको उमा भी मिलेंगी यहाँ पे, ये यहाँ पे काम करती हैं। और ये बाहर का माहौल आपको फिर से देखो, दोबारा दिखाया था मैं, यहाँ पे बिल्कुल सामने बाहर है, ठीक है। और ये देखो भाई, ये एनकोर रूम्स फॉर रेंट, यूरोपियन फूड इंडियन फूड दोनों मिल जाएगा, थाई फूड भी मिल जाएगा यहाँ पे। और ये देखो भाई, स्वाद द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये सब पूरा पूरा यहाँ पे रूम फॉर रेंट, इंडिया का झंडा भी लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे थाईलैंड का झंडा भी लगा हुआ है, तो दोनों जगह का फ्री वाईफाई मिलता है यहाँ पे, एयर कंडीशनिंग वगैरह, हॉट वाटर भी है, सब कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखो, बाहर का माहौल काफ़ी अच्छा है, बाहर का माहौल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। और ये हेयर कट है यार, हेयर भी कटवाऊंगा मैं अपने थोड़ी देर बाद। और ये सामने यहाँ पे शॉप वगैरह मिल जाएंगे आपको, यहाँ से निकल के जब आप जाओगे सामने वॉकिंग स्ट्रीट है भाई, सामने अभी आपको दिखा दूंगा मैं वॉकिंग स्ट्रीट। और अगर आपको खाने वाने के लिए कुछ चाहिए, मतलब 7-Eleven में नहीं जाना, तो यहाँ पे ये शॉप है, यहाँ पे खाने के लिए मैं कभी ड्रिंक्स वगैरह यहाँ से लेता हूँ, तो अब यहाँ से ले लेते हैं और फिर चलते हैं भाई, आपको दिखाते हैं वो मतलब बीच वगैरह और बाकी चीज़ें। हेलो, क्या हाल चाल है दोस्तों? यार आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपने पहले की वीडियो में देखा था यार, कि यहाँ पे H2O पूल पार्टी जो थी, उनको उनके मालिक ने मतलब वहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया था, और वहाँ के लोगों की मतलब मैंने पूरा पूरा आपको दिखाया कि उस पार्टी में मतलब क्या क्लब्स है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वहाँ पर पार्टियाँ होती हैं अलग अलग से, जो लोग चाहें उसको बुक कर सकते हैं, और उसको मतलब प्राइवेटली भी बुक कर सकते हैं। जकूजी भी है वहाँ पे अलग से, मतलब किसी की बर्थडे पार्टी भी हो रही है, कोई भी मतलब
फंक्शन है कुछ भी, मतलब वहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ दिखा चुका आपको इसके इससे पहले के वीडियो में, वो जाके आप मतलब चेकआउट कर लेना अगर आप अभी तक आपने नहीं किया तो। तो भाई ने मुझे आज दोबारा से बुलाया, आज एक्चुअली जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो थी ओरो की पार्टी, मतलब ओरो की पार्टी ऑलरेडी हो रही थी वहाँ, वहाँ पर किसी की बर्थडे पार्टी थी, किसी की मतलब कोई मीटिंग थी जो भी मैंने आपको दिखाया था, तो वहाँ पर मैं इतना ज़्यादा भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि बाकी सारे लोग थे, तो मतलब डेफिनेटली उनकी भी मतलब प्राइवेसी वगैरह खड़ा होता है। बट आज जो है उन्होंने स्पेशली मेरे लिए एक पार्टी थ्रो किया, अब पता नहीं मैं तो फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, पता नहीं मुझे उसमें क्या होगा। उन्होंने जैसा मुझे बताया उन्होंने ये कहा कि उसमें जैक्यूजी होगा, प्राइवेट टाइम वगैरह होगा, थोड़ा और मैं डिटेल में दिखा पाऊँगा, बता पाऊँगा, इन्फॉर्मेशन कर पाऊँगा, और जिस भी भाई लोगों को मतलब उन चीज़ों में इंटरेस्टेड है मतलब जैक्यूजी वगैरह करवाने में, अपनी पार्टी करवाने में, बर्थडे पार्टी वो सेलिब्रेशन फंक्शन वगैरह करवाने में, तो वो उनसे कॉन्टैक्ट मतलब कर सकते हैं। उन सबका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप वो देख लेना, और इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में बता ही रहा हूँ। वो अपनी चीट से मतलब बिल्कुल पास है वो S2O करके, आप जब भी गूगल मैप में डालेंगे तो आपको मिल जाएगा S2O क्लब करके पटाया में। तो अभी चलते हैं भाई, अभी शाम के यहाँ पे पूरे मतलब 6:30 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है। वैसे तो वहाँ पर जो पार्टीज़ है वो दोपहर के 1 बजे से भी शुरू होती है, हर रोज़ वहाँ मतलब पार्टीज़ और फंक्शन वगैरह होते रहते हैं, दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, 5 बजे तक वो चलता है, और 12 बजे जो जिसने मतलब जो भी करना है मतलब जैकोजी बर्थडे पार्टी वगैरह जो भी करनी है वो होती है। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे 6:30-7 बजे का टाइम हो चुका है, और अभी उन्होंने मुझे बुलाया था, थोड़ा मैं वो लेट हो गया था यार, मतलब मैं अपने काम में लगा हुआ था मतलब एडिटिंग वगैरह में। तो अभी चलते हैं भाई, अभी देखते हैं क्या प्रोग्राम है, कैसा नहीं है, जैसे भी आपको पसंद आएगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताया ना। अभी जाके वहाँ का प्रोग्राम देखते हैं, आपको दिखाऊँगा, बने रहिएगा। देखो भाई ये सामने आपको दिख रहा होगा ये S2O पूल निर्वाणा, देखो ये दिख रहा होगा S2O पूल निर्वाणा, तो ये आपको जब दिखेगा इसके बिल्कुल सामने वो बिल्डिंग है जहाँ पे मैं आपको कल मैंने दिखाया था, और आज मेरी स्पेशल पार्टी है, तो दिखाई दिया मैंने, मेरे को अभी चलते चलते 5-6 मिनट ही हुए थे मतलब वॉकिंग स्ट्रीट से मतलब अपने होटल से, और यहाँ मैं पहुँच गया S2O पूल निर्वाणा, इसका पूरा नाम ये है, और S2O पूल पार्टी क्लब वो करके आप मतलब जब सर्च करेंगे गूगल मैप पर तो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अंदर चल के देखते हैं यार क्या होता है क्या नहीं होता। ये गेट ऐसा है इसका, और यहाँ पे लिखा हुआ है S2O पूल निर्वाणा वेलकम, तो यहाँ से ऐसे अंदर जाएंगे भाई, और अंदर जाके देखते हैं क्या होता है आज। तो ये ऐसा माहौल मिलता है, एंड और ये ऊपर देखो, ये यहाँ से पूरा S2O पूल निर्वाणा, दे आर वेरी शाय। ओके भाई, तो अभी आपको यहाँ के बाहर का माहौल दिखाने के बाद अभी अंदर का माहौल दिखाते हैं। अंदर भाई ने मेरे लिए एक कूल पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, क्या स्पेशल होने वाली है वो, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, सारा चीज़ आपको लाइव दिखाएंगे। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा भाई तो नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सब पूरी डिटेल दी हुई है, कॉन्टैक्ट कर लेना भाई, मुझसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम में, और नीचे वाले लिंक से डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कैसे आना है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे, और यहाँ के अंदर क्या रंगत होता है क्या होता है सब आपको दिखाते हैं अभी विद इन अ सेकंड, बने रहना एंड तक।